स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बनाएंगे सहजन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही गुणकारी होती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है सहजन। तो इसको सहजन को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इसको इस तरह से छील लेंगे। ऊपर से बस छिलका निकाल देना हल्का सा, इस तरह से। तो जब सारी छिल जाएँ तो धो के रख लेना है, काट के धो लेना है। और टमाटर ले लिया है, आलू है, आलू के साथ बना रहे हैं। और ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची कश्मीरी है, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। प्याज ले लिया है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। तो हरी मिर्च अदरक लहसुन जो है वो कूट लेंगे हम, दरदरा करके डालेंगे, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो कुकर में बनाएंगे तो उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप रिफाइंड मूंगफली तिल जो खाते हो वो डाल सकते हैं। तो जब तेल गर्म हो जाए तो प्याज डाल देंगे और प्याज ब्राउन होने तक भूनेंगे। सहजन के तो पत्ते भी बहुत काम के हैं, उबाल के पीने से बीपी कंट्रोल में रहता है और उसके फूल जो होते हैं उसके पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो जब इस तरह से भुन जाए प्याज तो हम इसमें अदरक मिर्ची और लहसुन जो हमने कूट के रखा था वो डाल देंगे। और साथ में ही हम एक बार मिक्स करने के बाद साथ में जो सारे मसाले थे, धनिया पाउडर है, गरम मसाला, हल्दी, नमक और कश्मीरी मिर्च है, तो ये सब हम डाल देंगे। थोड़ा मैं कम तेल में बनाती हूँ इसलिए देखिए सूखा सूखा लगता है, तो इसलिए जो है तुरंत हम आलू और डाल के मिक्स कर देंगे सब्जियाँ। अब आलू मिक्स हो गया, अब सहजन भी डाल देंगे। आप बिना आलू के भी बना सकते हैं इसको। इसको खाली सहजन को सरसों पीस के और लहसुन मिर्ची उससे भी बनता है, बहुत टेस्टी बनती है वो सब्ज़ी सूखी, वो भी मैं बनाऊंगी। तो अब टमाटर ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर इसको एक दो मिनट के लिए इस तरह से पकने देंगे और उसके बाद जो है हम पानी डाल देंगे। जितना आपको चाहिए पानी उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो अभी जब पक जाएगा तो आलू गल जाएगी और जो इसका जूस है वो गाढ़ा हो जाएगा, ग्रेवी। और इसको कुकर को बंद कर देंगे, इसको 3 से 4 सीटी तक पकाएंगे। और वैसे अगर तुरंत खोलना है तो आप 3 से 4 सीटी लगा दीजिए, नहीं तो 2 सीटी लगाने के बाद, ठंडा होने के बाद खोलिए, तब भी पक जाता है। देखिए सब्जी पक गई है। अब धनिया की पत्ती डाल देंगे इसमें। और मिक्स कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और सहजन के तो गुणों का तो कहना ही क्या है, बहुत गुणकारी होता है सहजन। तो इस तरह से हमारी सहजन की सब्जी तैयार है। आप किसी भी रूप में इसको खाइए, बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है, सांभर में भी डालते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।